था, क्या था इसको? धन्यवाद। आज जो हमारे यहाँ IGMC के इस कमेटी हॉल में जो कॉन्फ्रेंस हुई है, उसका मेन मुद्दा सरकार को धन्यवाद करना था। सरकार ने जो अभी हाल ही में जो सेक्रेटरीट में मीटिंग हुई थी, उसमें हमारे IGMC को 600 जो नर्सिस देने का उन्होंने आश्वासन दिया है, उसके बारे में धन्यवाद प्रस्ताव जो था आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को दिया है हमने। इसके अलावा जो 43 OTAs की भी उन्होंने दिए हैं IGMC के लिए, उसके लिए भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, CPS अवस्थी जी और हमारे जो लोकल MLA है हरीश जनाठा जी, उनका धन्यवाद करते हैं। हम गदगद है कि हमारी जो INC की जो नॉर्म्स है, उसको अगर ये 600 नर्सेज आ जाती है तो हमारे जो है ये नॉर्म्स भी फुलफिल हो जाते हैं यहाँ मेडिकल कॉलेज IGMC मेडिकल कॉलेज के। आज हमारा कमेटी रूम में जो IGMC कमेटी रूम में जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और रिगार्डिंग थी कि जो हमारे यहाँ पे स्टाफ नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ जो डिप्यूट किया गया है सरकार की तरफ से, जो हमारे को दिए गए हैं इतने सारे, उसके लिए धन्यवाद करने के लिए हमने ये रखा था। तो हम 600 नर्सिस हमारे को दी गई है IGMC में, और हम CM साहब का और हेल्थ मिनिस्टर साहब का धन्यवाद करते हैं, और हेल्थ सेक्रेटरी मैडम का भी धन्यवाद करते हैं, जो हमारे MLA हैं लोकल IG यहाँ के शिमला के जनार्था जी, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं, और CPS सर संजय अवस्थी जी का, उनका भी धन्यवाद करते हैं हम कि IGMC में हमारी इतनी शॉर्टेज होने के बावजूद सरकार ने हमारी इस डिमांड को समझा, और क्या बोलते ज़रूरत को समझा कि यहाँ पे इतनी शॉर्टेज है। और मैं IGMC प्रिंसिपल का भी धन्यवाद करूँगी, MS सर का धन्यवाद करूँगी कि, और हमारी जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट्स है मैडम सुनीता गर्ग मैडम और नीना शर्मा मैडम, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि इन लोगों ने इतनी शॉर्टेज में IGMC की जो सेवाएं थी वो सुचारू रूप से चलाई रखी, इतनी शॉर्टेज होने के बावजूद चलाई रखी, तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है जी। एडमिट तो यहाँ पे एक दिन में 1000 से ऊपर ही हो जाती है, OPDs और इंडोर भी इतने रहते हैं हमारे पास, तो हमें बहुत फ़ायदा है सर। अभी तो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हमारी चल रही है, अकॉर्डिंग टू INC तो हमारा कंप्लीट अभी भी नहीं हो पाएगा, बट चलो मतलब बहुत ज़्यादा हमारे को इससे बेनिफिट है, हमारे पेशेंट को अच्छी केयर मिलेगी। इतनी नर्सिस अगर यहाँ आ जाती है तो पेशेंट को बहुत अच्छी केयर मिलेगी, हर डिपार्टमेंट में नर्सिस, जिस भी डिपार्टमेंट में ज़्यादा शॉर्टेज है, बड़े डिपार्टमेंट है, तो उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है इस चीज़ की कि